लेकिन क्या हुआ कि ठोकरें खा के पड़ी। और दूसरी बात कि अगर आपकी मायने कोई भी हमारा जो हम पाकिस्तानी है ना, वैसे तो ओवरऑल सारे होते हैं, हम क्या करते हैं नेगेटिविटी को जो कैच करते हैं, हम ये नहीं देखते। मैं आपको एक थेरेपी है, हमारी नेगेटिविटी में कोई भी बंदा डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन का सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉरिडोर से गुजर गई, मेरी कोई जानने वाली और मैं इसको दूर से हेलो कहूँगी और वो मुझे रिस्पॉन्स देगी, हालांकि वो मेरी बहुत क्लोज है, मैं कहूँगी यार ये बंदी जो है ना ओवर हो गई है, कॉन्सर्ट में आगे पता नहीं क्या समझने लग गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दो तीन दिन बाद में इसके साथ मिलती हूँ और मैं इसको क्लेरिफाई करती हूँ, चीज़ें क्लेरिफाई किया करें कि यार तुमने तो मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। और वो मुझे बताएगी मेरे साथ ये हुआ था, मैं डिप्रेशन में थी, मैं इस तरह से थी, मैंने देखा नहीं, मेरा फोकस नहीं पड़ा, तो इसलिए जजमेंटल तो मैं हूँ ना, मैंने तो सोच लिया सारा कुछ। तो इट्स मीन के नेगेटिव थॉट्स, आपके माइंड में सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हमने सोचना ही बुरा है तो बुरा तो होगा ना, जैसे आप उम्मीद रखोगे वैसा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद कहा है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही होगा, गुमान अच्छा रखना चाहिए, अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं है अगर आप मान रहे हो। एक और बात कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या होता है, वन साइडेड रिलेशनशिप अगर आपने रखना ही है तो कभी भी उसको जो कॉन्फिडेंशियल रखो, कभी भी जो है उसको उसके बैनर्स ना छुपा दो कि जी भी फलानी बंदी के साथ मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हो। वो क्या बंदा सिंसियर होगा जो अपनी बंदी के चार बंदों में बैठ के बातें कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल रिस्पेक्ट सारी चीजें इक्वालिटी में आती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो है वो सुकून हो, अगर आप ठीक है, ये इसमें कुछ भी बुरा नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप रखने के, लाइफ गुजारने के हर एक चीज का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है कि अगर आप किसी को ठीक है पसंद करना, किसी को बुरी बात नहीं है तो कुरान पाक में भी है, पसंद करें उसको जो है वो ना करें, उसको स्क्रीनिंग पे ना लेके आए प्लीज। तो वन साइड अभी जो इशू चल रहे हैं, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैम वो रिलेशनशिप था तो वो भी नहीं रहा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन की यही वजह है। आपको मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप लिटरली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, अगर वन साइडेड है तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसको जो है जायज और महरम तरीके से आपके पास वो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप वो चबले मारेंगे ना फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए, कॉन्फिडेंशियल रखें। और उसको जो है अगर आप कहते हैं कि एक साइड वन साइडेड है, फलानी बंदी मुझे नहीं मिली, उसकी मम्मी शंगनी हो गई है, फलाने बंदे की मंगनी हो गई है, तो वो नहीं हो सकता भाई। जिसके साथ डिवोर्स जिसकी होती है वो कैसी होती है कि एक बंदा है, एक बंदी को लाइक करता है, फॉर एग्जांपल उसकी शादी हो जाती है, वो थ्रू आउट स्पॉइल रहता है, उसके वेट में क्या होता है कि वो उसको डिवोर्स हो जाती है, देन वो रिटर्न उसके पास आता है, उसका इत्तमाद इत्तकात। और अगर आप ये कहोगे कि जी नहीं अय्याशी मारनी है और ये सब करना है, तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए मेरा मेन पॉइंट ये था कि स्टूडेंट की टेंशन की सबसे बड़ी वजह ही रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको मैं एक सजेशन दूंगी, टेंशन कुछ भी आपकी लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग जो कंसर्न कर रहा है वो अल्लाह ताला की ज़ात से कर रहा है, तो आप जो कुछ भी है वो अल्लाह पर छोड़ दें और उसको करें। ठीक है,